भाई बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वह ना लड़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन लड़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन बदमाश है। मैं जाकर स्ट्रीट में किसी दुकान में जाकर धोल मारना है एक दूसरे का। क्या आपको पता है भाई रोटी आ गई है, 11 बज गए, 9 बजे के रोटियां की बाट देखने में रेन की गलती है, ये बैठे देखने की गलती है, विपिन भाई इनकी गलती है। आपने इवेंट में जाना क्या बोलूंगा, उठ जाकर मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा किसी वाला, भूखा मर गया। बॉक्सर है नंबर वन इंडिया का, ऐसे हल्का आदमी थोड़ी ना है। अभी खेत है दाल रोटी देसी घी के साथ, तो काम बहुत चल रहा भाई, रोटियां का काम चल रहा, बात तो पेट को नहीं भरे था। दाल है, रोटी है, रायता है, रगड़ देंगे क्या रोटी। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं दयाल सिंह कॉलेज के लिए, बड़े रहो व्लॉग को लास्ट तक देखना, आज बहुत सारी क्रेजी क्रेजी चीजें होने वाली हैं। भाई अपनी गाड़ी और अपना काफिला दयाल सिंह कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। भाई मैं चहल पड़ा हूँ और अपना यो काफिला खड़ा है सारा के सारा, और ये सारे के सारे हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये सारे अपने भाई हैं, शाहपुर जट है, जहाँ मैं रुक रहा था गौतम भाई के पास, तो शाहपुर जट है पास में, तो वहाँ पे अपने बॉक्सर भी हैं और अपना बढ़िया भाईचारा भी है वहाँ पे। तो वहाँ के लड़के आए हुए थे, विपिन गुलिया भाई अपना नजफगढ़ से आए थे, यहाँ से मोहित अपना शाहपुर जट से, वो और उसके यार दोस्त सारे के सारे आए हुए थे। तो सपोर्ट नहीं है सारे के सारे, एक तो भाईचारे की निशानी है कि एक भाई कहीं जा रहा है, एक भाई आगे बढ़ रहा है तो सारे के सारे उसके साथ हैं, तो ये भाईचारा आपने हरियाणा और दिल्ली में मिलेगा। और दूसरा ये कहीं ना कहीं सारे के सारे बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं, सबका ये है कि मैं आगे जाऊंगा तो बॉक्सिंग आगे जाएगी। तो जो भी भाई शाहपुर जट से है, जो भी नजफगढ़ से है, द्वारका से है, एसडीएम मार्केट से है, कमेंट जरूर करो, अगली बार जब भी दिल्ली आऊंगा आप सबसे जरूर मिलूंगा। तो मैं आजकल देख रहा हूँ विपिन भाई बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वह ना लड़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन लड़ाई कर रहे हैं, हमें मतलब उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन बदमाश रहेगा भाई, ऑनलाइन बदमाश रहेगा, जोड़ से ऑफलाइन बदमाश है। मैं जाकर स्ट्रीट में किसी दुकान में जाकर धोल मारना है दूसरे का। अरे भाई इस चीज ने छोड़ो, तुम इस चीज ने छोड़कर तुम बॉक्सिंग रिंग में आओ, थारे मैच मैं करवाऊंगा, तुम लोगों ने तैयार भी मैं करवाऊंगा, थारे तक कोच भी मैं दूंगा। उसके दो फायदे हैं, एक तो तुमने फायदा है कि लोग थारी जर्नी में जुड़ेंगे, तुम तैयारी कर रहे हो कुछ अलग करने की अपनी लाइफ में। दूसरा फायदा ये जो लोग तुम ना फॉलो कर रहे हैं ना, जो आने वाली पीढ़ी है, वो गलत संगत में नहीं जानेंगे, मैं स्ट्रीट पे जाके लड़ने के, मैं भी बॉक्सिंग रिंग में, कुश्ती के मैट पे, जुडो के मैट पे जाके, एमएमए की केज में जाके लड़ने की सोचेंगे। तो उस सारे सौदे का अपने पे इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, अपने पे सब कुछ, अपने पे भाई फेडरेशन है, हमारे पे प्रमोशनल कंपनी है, ए टू जेड सारी चीज है, तो सब कुछ देंगे ए टू जेड। हम पहली चीज से लेकर ट्रेनर देंगे, उसके बाद फिर फिजियोथेरेपिस्ट देंगे, डाइटिशियन देंगे, तुमने जिम प्रोवाइड करवाओगे, तुमने बेसिक तक बॉक्सिंग करवाओगे, उसके बाद बेसिक तक लेकर बॉक्सिंग रिंग में उतरने तक का रिंग में जो तुम उतरोगे उसका सारा सफर हम करवाएंगे, और थारी एक बढ़िया फाइट करवाएंगे जिसमें थारी जीत और हार भी होगी। स्ट्रीट फाइट है भाई, उसमें जिस तरह आपने देखे हुए पीछे, वो उसमें यार कोई पुलिस केस हो गया है ना, एफआईआर होगी, इस रिंग में थारी बड़ास भी निकलेगी, असली कौन है नकली कौन है यो भी पता चलेगा। जकरबर्ग ने उसने दोनों ने फेसबुक वाला जोड़ा, मेरे पास नाम नहीं लिया जाने का यार, मार्क मार्क के बोल रहा हूँ, जकरबर्ग जकरबर्ग जोड़ सा भी है, एलन मस्क कर उसकी फाइट की बात हो तो इतने बड़े बड़े मैं चुप तैयार बैठे, तुम भी करो भाई, आओ बॉक्सिंग रिंग में ऑफिशियल करवाओगे जो भी चीज होंगे, जिस चीज के ऊपर केस नहीं उड़ेगा और लोगों ने मजा आएगा, थारे जितने देखने वाले उन सब ने मजा आएगा इस चीज में। और दिल्ली में ट्रैफिक देखो रे कितना ज्यादा हो गया भाई, कितनी बार में पहुंच जाएंगे कॉलेज में, बालक बाट देखने लग रहे अपनी, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं जो भी स्टूडेंट होंगे वहां पे उन्हें कोशिश करूंगा कि जो चीज जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कैसे कैसे है उनके साथ उसको शेयर करूं, और वो लोग भी अपनी लाइफ में उस कॉन्फिडेंस को आगे लेके चले। भाई गेट पा लिए हैं दयाल सिंह कॉलेज के, और स्वागत करने का तौर पे बालक खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आगे, देखा आगे जाए कैसे कैसे क्रेजी बालक मिलेंगे, उन तक कैसी कैसी क्रेजी बात मैं करूंगा। भाई ये सारे भाई आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके यहाँ पे, और सारे दिल्ली के ही हो, बोलो सर कुछ बात बताओ, बोलो ना आप चुप हो गए तुम सारे, बताओ यार, बहुत बड़ी बात है, मतलब सारे खुश है। भाई मैं आया हूँ मार्क जी के इवेंट जी दयाल सिंह कॉलेज, तो क्या आपको पता है हमारा छोरा एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अमेरिका गया,
अमरीका गए, अमरीका का छोटा सा टापू था पोर्टो रिको, बोला अमीगो कैसे हो ठीक हो, अमरीका का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर, हर राज के टांग का सबसे बड़ा बॉक्सर, उसकी बुद्धि सो गए तो यह बात 15 सेकंड में खत्म कर दिया ना मैंने बता कर, लेकिन इसके पीछे का सफर 15 साल की मेहनत है भाई। और शायद जितने आप लोग बैठे हो या जितने लोग इंडिया में बाकी मेरे को फॉलो अप कर रहे होंगे उन्हें मेरे पिछले 15 साल की मेहनत का नहीं पता। मेहनत की शुरुआत 15 साल पहले हुई थी, मैं बहुत पतला सा था, जो कर एंगल पर कपड़े नहीं टांगे थे उस टाइप का पतला सा कमजोर सा, क्लास में सबसे छोटा छोटा देखती हूँ उस टाइम की बात है। तब मैं ट्रायल देने के लिए गया था, जगह का नाम था स्पाटू, और मैं रात के 11 बजे धर्मपुर से स्पाटू 14 किलोमीटर पैदल चल के गया था रात के 11 बजे, और सुबह 5 बजे फिर ट्रायल शुरू हो गए थे। ट्रायलों में मैं नंबर 1 रहा था। ये सारी चीज पता क्यों हुई थी? कॉन्फिडेंस। तो जब मैं क्लास में सबसे छोटा था कमजोर था मैंने एक ही बात सीखी थी कि तगड़ा बनना है, तो जो था मेरे पास कॉन्फिडेंस था, जो मेरे अंदर जो ड्राइवर था, जो सबके अंदर एक एक ड्राइवर बैठा हुआ है, कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करूंगा भाई। राम राम, मैं नीरज गोयल। राम राम, राम राम। ये थोड़ा मजा आया, अंग्रेजी थोड़ी वीक, अंग्रेजी का काम कर रहा हूँ, अंग्रेजी की ट्यूशन भी शुरू कर दी मैंने। जो भी कॉन्फिडेंस है, मैं ट्यूशन वाली मैडम से बोल रहा हूँ मैम एक ही चीज है मेरे पास कॉन्फिडेंस, आई विल लर्न मोर। बोली हाउ मोर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस वाली चीज है ना, तो आज तक ऐसा हो रहा है कॉन्फिडेंस का ही है। तुमने देखा भी होगा जेक पॉल वाली वीडियो, पता नहीं किस किसने देखी होगी, एक तो छो आ रहा था थोड़ा टेंशन मना कभी वहां अगला रह पट मार दे मेरा तो मैं मतलब समझ ही नहीं पाया, जो से अक्सर मना अंग्रेजी के हमें भी देना, मैं भी समझ नहीं पाया नहीं समझ पाया मेरे एक दो हफ्ते में बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी होने वाली है। और आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, जुड़े रहो, साथ मिलके बहुत बड़ी बड़ी चीजें करेंगे। तो 2014 में जो आपका मैच हुआ था वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल शू चैंग के साथ और आप जीते उस लेवल पे, तो आप उस मैच में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? और WBA वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का वर्ल्ड चैंपियन है वो, उसके साथ मेरी फाइट थी और वहाँ पे सारे वही थे, उनके चाइना वाले थे सारे, एक चाइनीज वर्सेस एक इंडियन है, तो पिट देंगे फेल दिया। सर हम सबको देख ही रहे कि आप अपने भाइयों के साथ आए हैं, तो आप अपने भाइयों से काफी प्यार करते हैं, आप अपने भाईचारे के बारे में कुछ बताइए। भाई बहन हो जाए प्यार करो इसी बात तो जो दोस्ती का रिलेशन है वो बहुत ही, मतलब हम खुद बनाते हैं दोस्ती, कोई माँ बाप या कोई परिवार नहीं देता हमें, तो ये दोस्ती जो रिश्ता है ये हम लोग खुद ही बिल्ड करते हैं, ये ईमानदारी और सच्चाई पे ही चलेगा, और भगवान की दया था भाई भाईचारा अपना ऐसा है, चांद पे भी कह दूंगा किसी ने चांद पे वो काम है वो भी कर देंगे, और वर्ल्ड में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे मतलब कोई गया हो और मेरे पास फोन करे उसका काम ना हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस भाईचारे की बदौलत है। तगड़ा आदमी कहीं से नहीं होता, यहाँ से होता है, जेब पोल मिलता है, 10 किलो फालतू आदमी है ठीक है, जब मेरे सामने खड़ेगा ना तेरी आंखों में देखेगा मतलब महसूस हो रहा है, तो मेन ये है कि भाई अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो जिस तरह को बताऊं, तो कोई वीडियो देखी थी उसकी, शेर और चित्ता कहे थे, शेर और चित्ते नहीं बनोगे तुम, इंसान बनो पहले, इंसान तो तुम्हारा कोई नहीं है। लोग कहते हैं ऐसा भाई मुक्का खा के देखियो जब तक लोग नहीं पकड़ोगे, मोंटी आया हुआ, मोंटी शायद इसी कॉलेज में पढ़ रहा था, बैठा मोंटी, ये रहा मोंटी,
और आप इससे पूछ लियो, जब रिंग में चढ़ोगे ना, रिंग के पहले कोई भी इस वर्ल्ड में ऐसा बॉक्सर नहीं होगा जो बार बार वॉशरूम में ना जाए, इतनी एंजाइटी हो जाती है। तो स्क्रिप्टेड कुछ नहीं हो सकता, फिल्म तो चल ही नहीं रही भाई। सर क्रिकेट की तरह बॉक्सिंग को भी बच्चे बच्चे तक कैसे पहुंचाया जाए? आप पहुंचाएंगे बच्चे बच्चे तक, जो शेर चीते बिल्ली कल गेमर आ रहा था भाई ग्लोक और कौन कौन से नाम है, नाम भूल गया था ना, पता होंगे उन सब ने बॉक्सिंग में लेकर आऊंगे। और मेरा आइडिया यही है कि जितने ये, मैंने और भी कई बार ये बात बोल ली है, और जितने भी अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये मैसेज पहुंचा भी देना, तुम सबने देखे हो जो इन्फ्लुएंसर हैं बहुत सारे लड़ रहे हैं आपस में ना, ऑनलाइन लड़ रहे हैं, स्पीड पे लड़ रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ वो लोग वहां ना लड़े, बॉक्सिंग में ऑफिशियली लड़े। एक तो उनकी जीत हारेगा पता चल जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और उनको जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो लोग फिटनेस की तरफ जाएंगे, मतलब जो क्रिकेट की बात हुई है तो बॉक्सिंग की तरफ या मार्शल आर्ट की तरफ लोग मूव करेंगे, और इसलिए मैं चाहूंगा कि वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि उनकी लड़ाई तो नहीं है ऑनलाइन गाल पकते रहो एक दूसरे से, कोई सा जाकर दुकान में जाकर किसी का थप्पड़ मारता है, वो चीज छोड़कर रिंग में आओ, बॉक्सिंग रिंग में लड़ो, एमएमए केज में लड़ो, कुश्ती के मैट पाओ, जूडो के मैट पाओ, वहां पे लड़ो, ताकि आप जैसे लोग जो उनको फॉलो कर रहे हो वो भी फिटनेस की तरफ जाए। भाई मैं सही बताऊं, मैंने नहीं पता था कौन है, लेकिन कल ही मेरे से किसी ने वीडियो दिखाई, दाढ़ी सियाला कोई छोरा है और बताया, हाँ वो और किसी और गेम का है। तो भाई मैं उन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज मैं मेरी चीज में बिल्कुल प्रोफेशनल हूँ, बट वो लोग अच्छा कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं, बट उनको मैं यही कहूंगा कि आप लोग लड़ रहे हो या जिसका नाम लिया बिचोले बन रहे हो तो रेफरी बनो, फाइट में रेफरी बनो, रेफरी बनो तो मजा आएगा, दो जने की लड़ाई तो ठीक करवानी है लड़ाओ ना बॉक्स और फिर स्टॉप। भाई रिंग से पहले मैंने बताया सबका माइंडसेट मतलब ना अपनी परफॉर्मेंस के बारे में होता है कि मैं क्या सर, जो भी अच्छे लेवल पे खेल रहे हो दोनों टॉप है, दो लोग खेल रहे हैं वो दोनों टॉप है, तो मेरे को लगता है कि जो डर रहता है, जो डर है वो ये रहता है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा जो ट्रेनिंग में किया है, और अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो जीत निश्चित है। तो जो रिंग के नीचे माइंडसेट होता है सारा, रिंग के नीचे पहले चढ़ने से पहले, और जब एक बार बॉक्स हो जाता है ना तो सब कुछ भूल जाते हैं, फिर सामने वाले के मुक्के दिखते हैं, यो मिस करके यो मारना, यो ब्लॉक करके यो मारना, या बच के भागना, तो यही काम रहता है उसको ऊपर जाके। तो अगर आप बॉक्सिंग नहीं करते तो अभी क्या कर रहे होते? मैं जेल में होता हूँ, अरे बहुत खासी लड़ने की। बहुत मजा आया भाई आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज में बड़का ने मिलकर, बहुत ज्यादा मजा आया, सारे बहुत क्रेजी थे मेरे वर्गे, दयाल सिंह कॉलेज के स्टूडेंटों से मिलके बहुत ज्यादा मजा आया, सारे के सारे जबरदस्त थे और सबने मेरी बात बहुत प्यार से सुनी, और सुनकर उसके बाद जो उनके रिएक्शन थे वह मैंने फील करे तो उनसे और ज्यादा मजा आया बात करने का। तो जब ऐसी ऑडियंस मिल जाती है जिससे हम बात कर रहे हैं और वो लोग समझ रहे हैं और समझने के बाद रिवर्ट भी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आया। उन लोगों ने मेरे से सवाल ही पूछे और सब के सब बताओ उनने मेरे से क्या सवाल पूछे होंगे, जो जो दयाल सिंह कॉलेज इवेंट में आज थे वो सारे के सारे जितने भी थे, दो थे या तीन थे या चार थे, वो सारे के सारे कमेंट करके जरूर बताइयो कि तुम लोग वहां पे प्रेजेंट थे।
और बताइयो भी कमेंट में, ये भी लिखियो तुम्हें मेरे से मिलके अच्छा लगा या बुरा, बुरा लगा तो क्यों, अच्छा लगा तो क्यों। और जो मेरे तक बतावेगा, जो मार्क जी की टीम थी उन्होंने कुछ गिफ्ट दिए हैं, वो गिफ्ट फिर तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा। अब दिल्ली की सड़कों पे दोबारा अभिनव के साथ जा रहे हैं इनके घर पे, और फिर उसके बाद हम जाओगे पानीपत, करनाल, यमुनानगर। धन्यवाद दोस्तों मेरी ये वीडियो पूरी देखने के लिए। आप लोग ऐसे साथ बना के रखो, मैं अपने डेली रूटीन की, मेरी बॉक्सिंग ट्रेनिंग की या कुछ भी मैं नया करता हूँ उसकी वीडियोस ऐसे ही पोस्ट करता रहूंगा। आप लोग साथ बना के रखो। धन्यवाद दोबारा से।